हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं बात करने आया हूँ आदर्श आनंद के बारे में, जो कि बिहार के बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, जो अपनी आवाज़ से सबको प्रभावित किए हुए हैं, अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित किए हुए हैं, और मिमिक्री तो ऐसे करते हैं कि कौवा को भी बुला देते हैं। तो उनके बारे में ये बात करने आए हैं कि सोनू सूद सर आए हुए हैं बिहार में। बात यह है कि उनको बुलाया गया था सोनू सूद सर के प्रोग्राम में परफॉर्मेंस के लिए, और आने के बाद ना तो उसको रहने का व्यवस्था दिया जाता है, ना खाने का व्यवस्था दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। एक रूम उसके कहने पे, उसको कॉल करने पे उसको एक रूम दे दिया जाता है, और जहाँ वो बता रहे थे कि शायद मनीष भैया होते तो नहीं रहते, मनीष कश्यप होते तो नहीं रहते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको परफॉर्मेंस और उसका जो ऑडियंस होता है वो दे दीजिए, बस बहुत है। और उसने इसी वजह से ना तो पेमेंट की बात की, ना किसी चीज़ की बात की, कुछ नहीं बात किया, बिना कुछ सोचे समझे आ गए और अपना परफॉर्मेंस देने के लिए वो 10-15 दिन से तैयार थे, तैयारी कर रहे थे कि सोनू सूद सर के सामने परफॉर्म करेंगे। उनको मिलने का कोई लालच नहीं था, उनको मिलने का कोई लालच नहीं था, क्योंकि एक आर्टिस्ट को किसी से मिलने का कोई लालच नहीं रहता है। वो जानते हैं कि अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे बेहतर, तो हमको कभी ना कभी उनसे मिलने का मौका मिल ही जाएगा। तो वो इस वजह से दुखी नहीं है कि वो सोनू सूद सर से नहीं मिल पाए, वो दुखी इस वजह से कि वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, जो भी मैनेजमेंट की गलती है या जिसकी भी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट को उसको परफॉर्मेंस देना चाहिए, तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही गलत हुआ उसके साथ, और इसमें गलती किसकी है, मनीष भैया की है या मैनेजमेंट की है पता नहीं, लेकिन गलती तो है, बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो उसको परफॉर्मेंस करने का मौका देना चाहिए था। थैंक यू सो मच, आगे से इस बात का ध्यान रखिए।